दिल्ली का छतरपुर इलाका कात्यायनी शक्ति पीठ के लिए देश भर में जाना जाता है। छतरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बलराम तंवर पिछले दो बार से विधायक हैं। छतरपुर में प्रसिद्ध मंदिर होने के बाद भी सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। मेन समस्या सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी कुछ इंतजाम नहीं है, चोरियां होती हैं, चोरियां ज्यादा होती हैं। तो प्रशासन का कोई समय रोल नहीं है, कहीं प्रशासन दूर दूर तक नहीं है। छतरपुर में बरसात में जल भराव की समस्या से भी लोग परेशान रहते हैं। इसके अलावा सड़क, बिजली के बिल, गंदगी भी चुनावी मुद्दा है। पानी नहीं आता, जल बोर्ड ने लाइन तो डाल दी लेकिन वो 6 दिन में कभी आता कभी नहीं आता, और रोडों के यहाँ बहुत बुरा हाल है। विधायक जो है वादे करता है लेकिन काम नहीं करता। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। तो क्या सोचती है छतरपुर विधानसभा सीट की जनता, क्या थी उनकी अपेक्षाएं और क्या उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए। छतरपुर विधानसभा सीट में हम पहुंच चुके हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला, और यहां पर 1,70,000 के करीब मतदाता हैं। वोटर्स की जो संख्या 1,70,000 के करीब है, और यहां पर आपको बता दें कांटे की टक्कर कही जा रही है। पिछले 10 साल से कांग्रेस का कब्जा है लेकिन 19 इनकम्बेंसी यहां के मौजूदा एमएलए के खिलाफ है। क्यों है जानेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबसे पहले आम आदमी पार्टी से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी हैं, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र तंवर हैं, और विकास तंवर बीजेपी से है। बीजेपी किस तरह से इस सीट पर कमल खिला पाएगी ये भी जानेंगे, लेकिन साथ में कुछ लोग भी हमारे साथ, उन तमाम लोगों से जानेंगे कि ये उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां, और किस तरह से इस सीट पर काम हुआ पिछले 10 सालों में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम कांग्रेस से, राजेंद्र तंवर साहब हैं। राजेंद्र जी, 10 साल हो गए, कितना विकास, क्या काम हुआ, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में जितना भी उनसे बन सका क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया। आज आप देख सकते हैं कि अब से 10 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र बिल्कुल एकदम खुला खुला होता था, लेकिन आज बहुत सघन आबादी यहाँ हो चुकी है और बहुत भारी संख्या में यहाँ नया मतदाता भी आया है। काफ़ी अनऑथराइज कॉलोनीज यहाँ विकसित हुई हैं, उन अनऑथराइज कॉलोनीज में नागरिक सुविधाएं देने के लिए। पहला मुद्दा, अनऑथराइज कॉलोनीज को जो विकसित किया गया है, जो नियमित किया गया है, वो यहाँ पर किया गया, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। यहाँ पर आज तक जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, और आज से पहले आपने भी देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि हम इन अनऑथराइज कॉलोनीज को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर पास करा रहे हैं 1,639 कॉलोनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आज तक कितनी इसमें से हमारे यहाँ पर एक भी कॉलोनी को नियमित किया गया, एक भी कॉलोनी को नियमित किया गया, जवाब दीजिए। एक नहीं, बहुत सारी कॉलोनियों को यहाँ नियमित किया गया। आपने देखा होगा अभी पीछे जो 832 और 539 तकरीबन जो हमारी 1400 के आसपास कॉलोनियां विकसित हुई है, उनमें बहुत भारी संख्या में छतरपुर में, छतरपुर क्षेत्र की बताइए ना संख्या, बहुत संख्या या तकरीबन 40 कॉलोनियां अब तक यहाँ, 40 करीबन 40 कॉलोनीज को नियमित किया गया छतरपुर विधानसभा से। मैं नियमित करने की परिभाषा पूछना चाहता हूँ। नियमित करने की परिभाषा ये नहीं कि जैसे चुनाव से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, नियमित करने की परिभाषा होनी चाहिए थी कॉलोनी वालों की रजिस्ट्रियां खुलनी चाहिए थी, कॉलोनी वालों को परमिशन मिलनी चाहिए थी, कॉलोनी वालों को आज की तारीख में बैंक से अगर लोन की मंजूरी मिलनी चाहिए थी, वो मंजूरी मिलने का आज तक कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव से पहले सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट से खानापूसी हुई है या बाकी में जो काम ये बता रहे हैं वो सब हुआ है? ये काम जहां आप खड़े हुए, आप ये भी अनऑथराइज कॉलोनी का हिस्सा आप देख लीजिए, आज कंक्रीट की सड़कें बनी हुई है, बिजली यहां लगी हुई है, और दूसरी नागरिक बहुत सुविधाएं बहुत सारी यहां पर आपके सामने है, ये कोई कहने की बातें नहीं होती, लेकिन बीजेपी ने क्या किया ये बताया जाए। चलिए, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र भी हमारे साथ हैं। आप बताइए सर, जो नियमित करने का मुद्दा है, क्या कांग्रेस को भारी पड़ेगा, बीजेपी को, या आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से भुनाएगी? ये दोनों ही पार्टियां, एक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दूसरा जो एमसीडी में भी इनके है, बीजेपी के और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में सरकार चला रही है एक स्तर पे, ये दोनों ही छतरपुर और पूरे दिल्ली के विधानसभाओं में नाकाम रही है हर एक स्तर पे, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कोई भी बुनियादी सुविधा। छतरपुर विधानसभा सीट के मुझे इश्यूज बता दीजिए, यहाँ पर क्या इश्यू? यहाँ पे इश्यू है सबसे पहले हॉस्पिटल, शिक्षा
और रोड और सड़क और पानी, ये जो मेन मुद्दा है जिसके लिए सड़क 10-15 सालों से ये तड़प रही है। यहाँ हॉस्पिटल खुलवाया गया, एक बार नारियल यहाँ के विधायक जी ने फोड़े जो कि फोड़े 5-10 साल पहले। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर और इसके अलावा सड़क और पानी, तमाम समस्याएं क्या यहाँ पर? यहाँ पे सारी समस्याएं और ये बात बिल्कुल सही है इनकी। पानी के लेकर ये चीज हाल है कि पानी जो है मांगते हैं गरीब आदमी, एक तो पानी का प्रेशर नहीं है, पानी सही ढंग से सभी जगह सप्लाई नहीं है, और पानी का टैंकर जो है वैसे पानी पैसे पे मांगिए तो जितना मन उतना आ जाता है, लेकिन गरीब आदमी के पास जाए तो या तो वो किसी सोर्स वाले आदमी के पास जाए या विधायक जी के पास जाए। यहाँ पर पानी को लेकर क्या समस्या है पूछ लेते हैं, बताइए बोले दीजिए। अगर पानी के लिए हमें जाया जाता है, अगर विधायक जी के बेटे का फोन आएगा तो टैंकर मिलते हैं, अन्यथा हमें गरीब आदमी को हर चीज़ टैंकर में हो जानी होते। आप 10 साल का पीरियड हो गया, अब इलेक्शन नजदीक है तो मुसलमान कॉलोनियों के अंदर एक लाइन खोद दी गई है, उनमें पाइप डाल दिए गए, सिर्फ एक झूठा लॉलीपॉप। पानी को लेकर आप? पानी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या है, हर जगह समस्या है, फतेहपुर में भी समस्या है, चार चार दिन पानी नहीं आता और यहाँ हजार रुपए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बीएसपी से सर, रोज मिलते हैं कचरा के निकल जाते हैं, हारे मौसम की तरह रंग बदल जाते हैं, उम्र भर इनकी बफ फाप रखी किया बक्ताने पे ही लोग बदल जाते हैं, किससे क्या कहें ना। पानी की सुविधा है, आम आदमी जो विद्यार्थी लेबर मजदूर जो आते हैं उनकी कोई सुविधा नहीं है, महंगाई भ्रष्टाचार हर चीज का कहते हैं, कहीं भी वफा की निशानी नहीं है। यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीका से विकास हुए हैं और विकास करने वाले ही लोग आते हैं और विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, और हमारा छतरपुर को जोड़ने के लिए एक फरीदाबाद से रोड बलराम तंवर जी ने 3500 करोड़ रुपए का रोड टच किया है, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था हर गांव में हर गली में आप जाइए और हर गली में हर पिछले दस साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है लोगों के अंदर, पानी की भी समस्या है और भी दूसरी समस्याएं हैं। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए सबसे तेज नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, और कल देखिए देवली विधानसभा सीट से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।